पीएम मोदी ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत, योजना को बताया मास्टर प्लान, कहा ये रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच। लखीमपुर खीरी मामले के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले राहुल और प्रियंका गांधी सहित 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार, कहा इतिहास को गलत तरह से पेश किया जा रहा है, ये लोग महात्मा गांधी की जगह सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। राजनाथ ने कही थी सावरकर को बदनाम करने के लिए अभियान की बात। अब उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी मोदी सरकार के मंत्रियों की सक्रियता, जनता तक पहुंचाई जाएगी केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्रीय मंत्रियों के होंगे कार्यक्रम। शिवसेना ने मोदी सरकार को चेताया, कहा अगर चीन पाक के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो भारत को हो जाएगी परेशानी, चीन और पाकिस्तान आ जाएंगे एक साथ। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में नहीं है गांधी परिवार का नाम, जेडीयू नेता डॉक्टर अजय आलोक का तंज, आखिर कांग्रेसियों ने पनौती को पहचान लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की लखीमपुर घटना की निंदा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा फायदे के लिए ना करें मुद्दे पर राजनीति। शाहरुख के बेटे की जमानत का एनसीबी ने किया विरोध, कोर्ट से कहा ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं आर्यन। उत्तराखंड में 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट, धामी सरकार का बड़ा फैसला, आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जाएगा मनोदय। कोरोना के कम हो रहे मामले, बीते 24 घंटे में देश में आए 15,823 नए केस, 226 मरीजों की गई जान। अफगानिस्तान में नवरात्रि की धूम, हिंदू सिख समुदाय का वीडियो वायरल, मंदिर में कीर्तन और जगराता कर रहे लोग। पश्तून आंदोलन पर घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कह दिया था पश्तून आंदोलन, पश्तूनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लग रहे आरोप। भारतीय यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर, 19 महीने बाद अमेरिका विदेशियों के लिए खोलेगा दरवाजा, कोरोना की वजह से बंद कर दी गई थी सीमाएं। कुवैती सेना में शामिल होंगी महिलाएं, रक्षा मंत्री शेख हमद जवेर अल अली ने दी जानकारी, पहली बार सैन्य सेवा में विशेष अधिकारी और गैर कमीशन अधिकारी के रूप में भर्ती हो सकती हैं महिलाएं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और भारतवंशी सत्य नडेला को सीके प्रहलाद पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए किया जाएगा सम्मानित। ग्रीन एनर्जी में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव, 3 दिन में 4 विदेशी कंपनियां रिलायंस की झोली में, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड में जर्मन कंपनी नेक्स्ट वेव GmbH ने किया निवेश, डेनमार्क की कंपनी स्टेसडाल के साथ किया करार। कोरोना काल में नौकरियों में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किया खुलासा, 2019-2020 तक 23% महिलाओं की रही हिस्सेदारी। शाहरुख खान के सपोर्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, बोले SRK की वजह से उनके बेटे पर टारगेट, मुनमुन धामोचा और अरवाज मर्चेंट को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म मीनाक्षी सुंदरेश्वर का टीजर रिलीज, सान्या मल्होत्रा और भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दस्तानी नजर आएंगे साथ, फिल्म मेकर करण जौहर ने शेयर किया है टीजर। IPL में आज होगा दूसरा सेमीफाइनल मैच, दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला, UAE में खेला जा रहा है मैच।